आज हम बनाएंगे गुजिया की रेसिपी, वो भी एकदम आसान तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि हम गुजिया कैसे बनाते हैं। गुजिया हमारी बिल्कुल कुरकुरी बनकर तैयार होगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में मैंने देसी घी 4 से 5 चम्मच डाला हुआ है। गुजिया बनाने के लिए हम जितना सूजी लेंगे उतना ही मैदा लेंगे और उतना ही चीनी लेंगे। तो मैंने आधा केजी सूजी लिया था, तो आधा केजी मैंने चीनी भी लिया है। अब सूजी को मीडियम फ्लेम में हम भूनेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये सुनहरे कलर का ना हो जाए। तो देखिए इसे भूनते हुए इसका कलर चेंज हो गया। तो जब कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी भी हमारा आधा केजी ही होना चाहिए, क्योंकि जितना सूजी होता है उतना चीनी डालना ज़रूरी होता है। चीनी को हम अच्छे तरह से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 8 से 9 पीसें इलायची, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो हम इसको भी अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी आधा केजी खोया। ये घर का खोया मैंने जलाया हुआ था घर पर ही, तो घर का बनाया खोया है और ये भी आधा केजी है। इसको डालने के बाद मैंने नारियल का पूरा डाला हुआ है, सिर्फ मैंने ग्रेट कर लिया था। ये भी आधा ही है, आधा केजी मत समझिएगा, आधा कटोरी है ये। तो सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि चीनी मैंने खड़ा खड़ा डाला है तो इसमें खड़ा ही रहेगा। जब इसको हम तलेंगे तो चीनी इसमें पिघल जाती है और बहुत टेस्ट बढ़िया आता है इसका। तो मैंने सबको मिला लिया, आप चलिए इसको उतार लेते हैं। तो इधर मैंने आधा केजी मैदा लिया है। मैदा मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच घी डाला है। अब इसको मैं हाथ से अच्छे से मिला लूँगी। इसको हमें ऐसे मिलाना है, जब तक मिलाना है तेल को तब तक ये हाथ से दबाने के लड्डू जैसा ना बने। तो मैं आपको हाथ से लेकर दबा कर दिखा रही हूँ। अगर ये लड्डू जैसा मुट्ठी में बनने लगे तो समझिए कि ये सही हो गया है, परफेक्ट है बनाने के लिए गुजिया। तो ये लड्डू जैसा बन रहा था आपको दिखा होगा। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के इसको गूँथ लूँगी। पानी हमें अचानक से नहीं डालना है, क्योंकि हम इसमें तेल भी डाले हुए हैं तो इससे बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो मैंने पूरा आटा गूँथ लिया है। हमें बहुत इसे सॉफ्ट नहीं गूँथना होता, बस इतना गूँथना होता है जितने में ये एक लोई बन जाए अच्छे से। ज़्यादा गूँथ देंगे तो ये क्या होता है कि अब जब गुजिया बनाएंगे तो उसमें बड़े बड़े बबल्स आने लगते हैं, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लूँगी। देखिए आपको दिख रहा होगा, इससे हमें जैसे आप पूरी बेलते हैं ना, तो पूरी जितना ही इसे बेलना होता है, बहुत बड़ा नहीं, पूरी से थोड़ी सी बड़ी होती है, ताकि हमको गुजिया बनाते समय कोई दिक्कत ना आए। तो हम मैंने एक लोई बनाकर इसका हम पूरी बना ले रहे हैं। पूरी बनाने के बाद मैं इसे आपको भरकर दिखाऊंगी। और ये पतला बेलना होता है, रोटी से थोड़ी पतली होती है। तो आपको इसकी मोटाई भी दिख रही है, मैंने कितना पतला बेला हुआ है अच्छे से। तो ये देखिए इसकी मोटाई, इतना पतला हमें बेलना है। तो इधर हम मैदा लेंगे, मैदे के ऊपर हम साँचा को रख लेंगे। अगर आप मैदा नहीं लगाएंगे उसमें तो जो आपकी पूरी वो चिपकने का डर रहता है। तो मैंने पूरियाँ रख ली है। अब इसके ऊपर मैं 2 चम्मच बैटर को रखूँगी, 2 से 2.5 चम्मच। चम्मच आपको दिख रहा है कितना बड़ा है, तो उससे मैं 2 से 2.5 रखूँगी और उसे बीच में कर लूँगी, किनारे में ना जाए वरना अब ये तलते समय खुल जाती है अच्छे से। तो इसे हम बीच में करने के बाद इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। इसको अच्छे से दबाएंगे तो ये आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ये देखिए हमारी एक गुजिया रेडी है। इसी तरह मैं सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने गुजिया बना लिया है। मैंने अभी आधा ही बनाया, आधा मैंने बाद में बनाया क्योंकि बैटरी लो हो रही थी, तो मैंने आधा बनाया और आधा ही आपको दिखाया है। आधा केजी में लगभग 150 से 200 गुजिया ईजिली बन जाता है। जब एक तरफ सीख जाए तब हम इसे पलट लेंगे। और ध्यान रहे, जब इसे हम सीखते हैं तो मीडियम एकदम लो फ्लेम में ही सीखते हैं, मीडियम फ्लेम में। अगर ये आँच तेज रहेगी तो इसमें बबल्स आने लगते हैं बड़े बड़े। तो हम इसे लो फ्लेम में ही तलेंगे। जब ये दोनों तरफ सीख जाए इसको चलाते रहना, नहीं तो उसमें थोड़ा थोड़ा रेडनेस आ जाएगी जैसे आपको दिख रहा होगा। तो मैंने सारे गुजिया को इसी तरह तल लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए गुजिया हमारी रेडी हो गई है और एकदम कुरकुरी गुजिया बनी है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।